हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस मौर्य। आज हमने एक थिंक टूल का स्कैनर मंगाया है, आप देख सकते हो। अभी हम इसको ओपनिंग करेंगे और टेस्टिंग भी करेंगे कैसा है, ठीक है। तो अभी इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये हमारा अंदर से ऐसा कुछ दिखता है और बाहर से आप देख सकते हैं इसमें ऐसा मैग्नेट रहता है, ऑटोमेटिक लॉक होता है ये, ओके। तो थिंक टूल है, थिंक टूल का रडार स्मार्ट स्कैनर है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स नजदीक आ गए। अब इसके अंदर एक मैनुअल है, देख सकते हैं क्या है कैसा है इसका पोजीशन, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स स्कैनर है ये। ये केबल है, ये गाड़ी में कनेक्ट करना, ये केबल गाड़ी में कनेक्ट करना। और ये स्कैनर है, अच्छा अच्छा छोटा है लेकिन बढ़िया है, अच्छा काम करता है। ये डाटा केबल है, डाटा केबल इसको इधर लगता है, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे डाटा केबल लगता है, यहाँ पे मेमोरी अपन डाटा स्टोर करने के लिए है। और इधर केबल लगता है, जैसे अपन अपडेट कुछ कर रहे थे घर पे, नहीं तो कहीं भी फ़ोन में लगा के चार्जर में लगा के केबल इसमें लगा दिए तो चालू हो जाता है। और इसको और एक क्या बात है बोले तो चार्जिंग करने का प्रॉब्लम नहीं है, इसको डायरेक्ट गाड़ी में लगाएंगे चालू हो जाएगा ये स्कैनर, ठीक है। और अभी हम इसको चेक करेंगे, चलिए चेक करते हैं गाड़ी पर, इंडिका में चेक करते हैं, आ जाओ फिर इंडिका में चेक करेंगे। हम इसको कनेक्ट कर देंगे इधर, इसको इधर सीट के नीचे रहता है, तो अभी हम कनेक्ट कर दिए इसको, देखो चालू हो गया है। अब इग्निशन ऑन करेंगे, हमारा स्कैनर चालू हो गया है। अभी हम चेक करेंगे इसको क्या है कैसा काम कर रहा है, सब देखेंगे। अभी मैं ये आज ही मंगाया, कल आया मेरे पास, तो हमने सभी अपडेट वगैरह सब इसको कर लिया हमें। अभी देख रहे हैं उसको होम स्क्रीन ऐसा आता है, ठीक है। अभी इधर कार स्कैन पे स्कैन करे तो टच करे तो देखो इसमें एशियन में जाना, अपना टाटा है बोले तो टाटा इंडिया, व्हीकल सिलेक्शन में जाना ओल्ड मेनू में, इंडिका है, इंजन कंट्रोल सिस्टम में चेक करेंगे, ऑयल MPFI CODI इंजन सिस्टम डॉट डाइकार है हमारा, इंडिका डाइकार है ये, तो रीड फॉल्ट कोड करेंगे क्या आ रहा देखेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम्स तो बहुत होता है, EGR का है, EGR एक आ रहा, बाकी सब मैनुअल इच है। नेटवर्क वाईफाई होना पड़ता है इसको, तो अभी हम इसको वाईफाई कनेक्ट कर देंगे, ऑलरेडी कनेक्ट हो गया इसको, क्या है मालूम है इसको।
वाटर फ्यूल सेंसर है ये। वो डीजल फिल्टर के नीचे का सेंसर का कुछ प्रॉब्लम है, इधर लिखा है देखो वाटर फ्यूल सेंसर। ओके तो और क्या है, EGR का एक एरर आ रहा। EGR सही से काम नहीं कर रहा या कुछ है, क्या प्रॉब्लम है, जाम है क्या है, देखेंगे इसका। EGR विथ वॉइस एंड टूल्स। ओके ठीक है, अभी तो हम इसको एक बार क्लियर करेंगे, फिर क्या हो रहा देखेंगे। क्लियर फॉल्ट कोड, यस मारेंगे। क्लियर मेमोरीज कंप्लीटेड, फिर से रिफॉल्ट करेंगे, क्या आ रहा अभी कुछ भी नहीं आ रहा। एक बार स्टार्ट करेंगे गाड़ी। हाँ सुनो, अभी गाड़ी स्टार्ट हो गया हमारा। अभी कुछ भी डेटा नहीं आ रहा। ओके क्लियर हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा स्कैनर बहुत काम का है, आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। ओके।